हाउ टू एनहेंस स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने आध्यात्मिक शक्तियों को और कैसे बढ़ाएं, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में और कैसे विकास लाएं, उसे कैसे विकसित करें, अपनी वाइब्रेशन को यूनिवर्स की वाइब्रेशन से अलाइन करें. डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग इट बट बॉटम लाइन इज द सेम. इन स्पिरिचुअल डोमेन इट इज नोन एज असेंशन. द प्रोसेस इज नोन एज असेंशन. Soul development or spiritual development, ascension. कई माध्यम हो सकते हैं. बहुत लोगों ने रिलीजन को चुना, अलग अलग रिलीजन को, रिचुअल्स को. बहुत से लोग हमने भी किया, अलग अलग हीलिंग में गए, अलग अलग मोडालिटीज में गए, होलिस्टिक वे में गए. भक्ति आपने ट्राई की, दैट इज योर रिलीजन, भक्ति या योर हीलिंग. सभी कुछ सही है, सबका अपना तरीका है. If from point A one has to go to point B, everybody can take a different path or different route. है ना? सबका GPS अलग अलग रास्ता दिखा सकता है, depending upon उनके रास्ते में कहाँ जाम है, कहाँ ब्लॉकेज है. आज मैं एक बहुत ही सरल तरीका बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोग आते हैं और पूछते हैं कि माँ सबसे सरल तरीका ईश्वर से मिलने में, माँ सबसे सरल तरीका मोक्ष की यात्रा के लिए. तो जितना हम समझ पाए हैं, सच्ची चीजें सरल होती हैं. नो फ्लारी लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड. यू डोंट हैव टू बी लाउड. अपनी एक श्वास को पकड़ लें. जैसे कि मैं अपनी हर मेडिटेशन में, जब गाइडेड मेडिटेशन होती है, तो बताती हूं कि हर ध्यान की शुरुआत ब्रेथ वर्क से है, क्लोजर ब्रेथ वर्क से है. दैट्स राइट. एवरी गाइडेड मेडिटेशन दैट यू गो थ्रू विद मी और एनीवेयर, द स्टार्टिंग पॉइंट इज ब्रेथ वर्क एंड द क्लोजर इज ब्रेथ वर्क. व्हाई इज दैट? यू नो, यू वर बॉर्न विद योर फर्स्ट ब्रेथ. व्हेन यू टुक योर फर्स्ट ब्रेथ, यू केम टू अर्थ, एंड योर लास्ट ब्रेथ यू विल गो. दैट इज बिकॉज योर ब्रेथ इज अ ब्रिज बिटवीन योर फिजिकल बॉडी एंड योर सोल. तो सांसों की यात्रा से ही ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, श्वासों की यात्रा से ही ईश्वर से जुड़ते हैं. सो ऑल यू हैव टू डू इज क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ. इट्स एज सिंपल एज दैट. नाउ इज इट दैट रियली सिंपल? बिकॉज माइंड इज अ मंकी माइंड एंड इट विल कंटिन्यू जंपिंग लाइक अ मंकी, वन थॉट आफ्टर द अदर. आंखें बंद की नहीं, श्वास पे ध्यान केंद्रित किया नहीं, अरे आज रात को खाने में क्या बनेगा, मेरी सास ने ऐसे कहा, मेरे मम्मा ने ऐसे गुस्सा किया, मैं अपने पति को ऐसे मजा चिखाने वाली हूं आज, हम घूमने कहां जाएंगे, वगैरह वगैरह. नो प्रॉब्लम, प्लीज डोंट रेजिस्ट इट. इट्स द वेरी मच पार्ट ऑफ द प्रोसेस. इफ यू टेल अ चाइल्ड यू विल नॉट हैव चॉकलेट, लिसन आई एम टेलिंग यू, you will not have chocolate. All he will think about is chocolate. All his mind would perceive or see is chocolate. So if you force yourself very tight, thoughts hi aate rahenge. Jaise ek nadi beh rahi hai, nadi ke bahav mein patthar bhi aa raha hai, tinka bhi aa raha hai, behta ja raha hai. Go with the flow. Aaram se aankhein band karein, shwaason pe dhyan dein. कोई भी विचार आया, कुछ ही क्षणों बाद आपने अपने आप को कैच किया, ओ थॉट आ गया, नो प्रॉब्लम, लेट मी वॉच द थॉट, लेट मी एंजॉय द थॉट एंड कम बैक अगेन. ये मंकी माइंड की फितरत है. इट विल जंप हियर एंड देयर. इट इज आवर जॉब टू टेम इट एंड ब्रिंग इट बैक, नॉट विद एग्रेशन, नॉट फोर्सिबली, बिकॉज दैट्स नॉट गोना वर्क. दैट्स नॉट गोना वर्क. ए बी वॉर उल्टा जाएगा. तो आप उसे बहुत प्यार से, एक समझदार पेरेंट की तरह, जब आपके माँ बाप ने गुस्सा किया, पिटाई की, तो आप और रिबेलियस हुए, एक अच्छे पेरेंट की तरह अपने मंकी माइंड को प्यार से, समझदारी से वापस लें और फिर श्वासों पे ध्यान दें. अब करना क्या, व्हाट इज द टेक्निक? आती सांस देखें, जाती सांस देखें, डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन. कुछ नहीं सोचना उस समय. लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, मैं उस समय सोचना नहीं, कुछ नहीं सोचना, बस सांसों पे ध्यान दे रहा है. थॉट्स ही तो कम होते जाएंगे,
लेकिन ये इंटेंट नहीं बना रहा, लेट इट बी द बाय प्रोसेस. जैसे मैं हमेशा ग्राफ में समझाती हूँ, चार्ट में बना के, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है. इफ यू प्लॉट अ डायग्राम बिटवीन योर थॉट्स वर्सेस टाइम, धीरे धीरे आपके थॉट्स का बार कम होता चला जाएगा. दैट्स द स्टेट वी हैव टू गेट इनटू. अब एक सबसे बड़ा फॉर्मूला देते हैं, मिनिमम कितनी देर के लिए ध्यान में बैठना है. आप जितने साल के हैं, यदि 40 साल के हैं तो मिनिमम 40 मिनट, मैक्सिमम तो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हर रोज बैठिए. मैं 2 से 3 घंटे ध्यान में हर रोज बैठती हूँ मिनिमम. खाना खाए ना खाए, किसी की शादी में जाना है नहीं जाना, ये ध्यान नहीं छोड़ सकते. तो यदि आप 25 साल के हैं तो मिनिमम 25 मिनट आपको डेली बैठना है ध्यान में, 1 मिनट जीवन के 1 वर्ष की आयु के लिए. ये सिंपल रूल है. ध्यान से होगा क्या मैम, मेरा गुस्सा कम हो जाएगा, मेरी जॉब में प्रमोशन हो जाएगी, मेरे मन मुताबिक चीजें होने लगेंगी. Somebody asked once upon a time, Buddha, what did you get with your this so-called meditation? Did you get money? What did you get? He said, well, I don't know about that. Let me tell you what I lost. I lost anger. I lost restlessness. I lost anxiety. आपके कर्मा भी हील होते हैं, क्योंकि उस स्टेट में आप न्यूट्रल स्टेट में चले जाते हैं. जो लोग सिद्धिकरण देते हैं रेकी में या कोई भी, वो जानते हैं दैट वी इवन टच आवर टंग टू द पैलेट. उस स्टेट में आपके न्यू कर्मास जेनरेट नहीं होते हैं, आप एक डिवाइन स्टेट में होते हैं, न्यूट्रल स्टेट में. तो जितनी देर आप ध्यान में बैठेंगे, आप अपने कर्मा की क्लिंजिंग भी कर रहे हैं. करिए और फिर जानिए. कोई भी सवाल हो, जब हम ध्यान में बैठना शुरू करते हैं, ध्यान में उतरते हैं, तो बहुत सारे सवाल आने लगते हैं. तो यहाँ पे कमेंट के माध्यम से अपने डाउट्स लिखिए, सारे कमेंट्स पढ़े जाएंगे, रिप्लाई किया जाएगा, आपके उन सवालों का समाधान दिया जाएगा, ताकि आप और गहरे ध्यान में उतर सके, है ना. मेरी दादी बीजी कहते थे, अब नहीं रही, एक बहुत खूबसूरत भजन गाती थी. चलते चलते याद आया, एक लाइन गुनगुनाते हैं. सासो दी माला में सिमरू मैं पी के नाम. तो ये सांसों की माला आपको बोलनी है. आती सांस जाती सांस. चलिए अब मैं आपको यहां छोड़ के जा रही हूं. जल्द वापस आने के लिए आंखें बंद करें तुरंत, और सांसों को देखें और शांति से बैठें. और डेली काम करना है ये, वीकेंड स्पिरिचुअलिटी नहीं करनी है, सिर्फ एंटरटेनमेंट स्पिरिचुअलिटी नहीं. डेली बैठें और देखें. कई सारी बीमारियां, बीपी, थायराइड, वो तो सब ऐसे ही बैलेंस हो जाएगा. चलिए बैठ जाइए फिर ध्यान में.